मुनी सगळे चॅलेंजवाले असतील, प्रिंट मीडिया असेल, मराठा आरक्षणासाठी आपल्या सर्वांचं फार मोलाचं सहकार्य मिळालं यासाठी आजचं सर्वप्रथम मी सर्व चॅलेंजवाले आहेत आणि सगळ्या प्रिंट मीडियाला मराठा आरक्षण आपले विशेष आभार। सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा आरक्षण या लढ्यात आपण सातत्याने मराठा समाजाचे आरक्षण या प्रश्नावर आपल्या माध्यमातून वाचा फोडली, मराठा आरक्षण मिळवून देण्यास आपले सहकार्य मोलाचे ठरले। राज्यातील तमाम मराठा बांधवांचा 25-30 वर्षाचा पासूनचा प्रश्न सोडवला। आपणास मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने व सकल मराठा समाजाच्या वतीने विशेष आभार असे आभारी आहोत आणि आपले सहकार्य असेल पुढं कायमस्वरूपी राहावं। मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता की अगुवाई आबा साहेब पाटिल द्वारा की गई। इस दौरान आबा साहेब पाटिल जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मराठा आरक्षण लागू करने की घोषणा का स्वागत किया। इसी प्रकार आंदोलन के दौरान जिन मराठा आंदोलनकारियों पर केस दर्ज हुए थे उनमें से गंभीर गुना छोड़कर बाकी सभी के गुना माफ किए जाएंगे, ऐसी घोषणा आबा साहेब पाटिल द्वारा की गई। आइए जानते हैं इस दौरान उनका क्या कहना था। 2014 में मराठा आरक्षण ESBC के अंदर लागू किया था राज्य सरकार ने। उसके अंदर 2014 से जो 4 साल से हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं अभी तक उनको गवर्नमेंट ने जो नौकर भर्ती के अंदर उनको लिया नहीं था, उनका नियुक्ति होने के बाद भी उनको हाजिर करके किया नहीं था, इसलिए आज आरक्षण लागू हो गया। 30 नवंबर का आरक्षण लागू होने के बाद राज्य शासन ने आदेश दिया है कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर गवर्नमेंट में जो नौकर भर्ती हुआ था उसके अंदर उनको लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी परिपत्र कोई भी विभाग में दिया नहीं, इसीलिए आज हम लोग पत्रकार परिषद आयोजित किया था, बैठक आयोजन किया था और सब विभाग को जब मुख्य सचिव वगैरह है उनको हम लेटर दिया है, इनको जल्दी से जल्दी उनको हाजिर किया जाए और उनको प्रशासन के अंदर नियुक्ति लेटर देना चाहिए। अरे वो कुछ नहीं, वो सब स्टंटबाजी है उनका, उनका कोई याचिका वगैरह कुछ नहीं है, सब पूरा महाराष्ट्र के अंदर सब समाज साथ में सब लोग SC ST OBC हम लोग सपोर्ट किया है और सब लोगों ने हमको सपोर्ट देने के बाद आरक्षण पूरा मीडिया सपोर्ट किया, पुलिस सपोर्ट किया, शासन किया, उसके अंदर क्या रह गया, 2-4 लोग समाज है क्या, इन लोग जो खाली स्टंटबाजी करने के लिए याचिका दाखिल किया है और उनको क्या है, हम लोग पूरा समाज के अंदर सबने बताया अभी कि हम किसी समाज के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन ये 2-4 लोग कुछ समाज के अंदर हमारा जो 25-30 साल का जो आरक्षण है उसके अंदर अगर कुछ करने का कोशिश किया तो उसका जवाब हम उसी हिसाब से देंगे, 100% टिक जाएगा, गवर्नमेंट ने श्योरिटी दिया है और हम लोग भी हमको आशा लगता है कि उसके अंदर कोई मतलब उसके अंदर जो 52% आरक्षण छोड़ के हमारा अलग आरक्षण है ना, इतर बाकी किसी आरक्षण को धक्का नहीं लगेगा उसके अंदर, जो आरक्षण है तो 16% अलग से रिजर्वेशन दिया है, राज्य मागास वर्ग आएगा उसने मागास करके सिद्ध किया है, कोर्ट के अंदर सब दिया हुआ है और उसके अंदर किसी को उसके अंदर ये होना नहीं चाहिए कि जितना महसूल 100% महसूल हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, सब पानी तक मराठा समाज पीता है, पैसा दे के पीता है और हम लोग 100% फी भरते हैं तो हमारा भी उतना ही हक है, हमको आरक्षण देने के लिए मना कर ये कौन होते, ये इनको संविधान यही संविधान के अंदर रहते हम लोग नहीं रहेंगे। कैमरामैन नागेश के साथ विक्रम सिंह पुनीर, SCN TV न्यूज़ मुंबई।